23 जनवरी को नागपुर शहर में मशहूर संत हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहां भारी संख्या में विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। नागपुर शहर के हर एक व्यक्ति के दिल में बसने वाले हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आज जन्मदिन है, जिनसे हर एक समाज, हर एक धर्म और हर एक जाति के लोगों की आस्था जुड़ी है। तो जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर शहर के ताज बाग में, जहाँ मौजूद है हजरत बाबा ताजुद्दीन की दरगाह। तो जैसा कि आप मेरे पीछे और मेरे आस पास देख सकते हैं कि आज हजरत बाबा ताजुद्दीन के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ उमड़ रही है। तो आज के दिन पूरे भारत से अलग अलग हिस्सों से आए हुए अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं कि इस जन्मदिन पर आकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो फिर बताइए आप कहाँ से हैं? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं, हर साल आते हैं हम, और आज के बर्थडे में बहुत सोने शौकत से मनाया जाता है। खास तौर पर आज के दिन बाबा ताजुद्दीन के जन्मदिन को मनाने के लिए आए हुए लोगों के लिए यहां खास सुविधाएं रखी गई, जिसमें लोगों की हिफाजत के लिए कड़े इंतजाम रखे गए और उनके लिए मेडिकल सेवाओं का भी खास ख्याल रखा गया। इस संबंध में अधिक जानकारी दी हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी ताज अहमद अली। सबसे पहले मैं BCN चैनल को मुबारकबाद देता हूँ और हिंदुस्तान के सभी बाबा जान के आशिक ताजुल औलिया को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आज हज़रत बाबा शहनशाह ऑफ तकलीम हज़रत मखदूम मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 161वां जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं हम, और यहाँ पे अकीदतमंदों की काफ़ी बहुत भीड़ लगी हुई है, और सुबह बाबा हुजूर के यहाँ से संदल निकाला गया, वो विभिन्न रास्तों से जिस तरीके से हमेशा गुजरता है उन रास्तों से होते हुए बाबा हुजूर के यहाँ पर खराज अकीदत पेश करेंगे, उसके बाद में चादर वगैरह पेश होंगी, उसके बाद में बाबा जान की जो रस्म है ताजुद्दीन बाबा हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर बहुत सुबह से 3-4 दिन से रेगुलर हमेशा ही ताजाबाद ट्रस्ट की जानिब से लंगर की सेवा रहती है, और इस बार बड़े ज़्यादा तादाद के अंदर में हमने यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं का यहाँ पे भाव और फ्लो दिख रहा है उसके हिसाब से हमने लंगर की ज़्यादा से व्यवस्था की है। यहाँ पे लाइटिंग का अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी को रोशनी उसे बाबा जान का रोज़ा सजाया गया है, यहाँ पानी की व्यवस्था वगैरह सारी चीज़ों का जो भी है पुलिस बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से, तो सारे इंतज़ाम जो है हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से काफ़ी गवर्नमेंट की भी सहायता से यहाँ पर चलाए जा रहे हैं प्रोग्राम के अच्छे से अच्छा यहाँ पर आने वाले बाबा के अकीदतमंदों को यहाँ पर फैज़ पहुँचे और उनको लाभ मिले और किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ और कोई कठिनाई ना हो, इसलिए हमने कैसा है कि बहुत सारे काउंटर भी खोल के रखे, मेडिकल कैंप की सेवा भी यहाँ पर रखी है, उपचार की सेवा भी है, या डेंटल का भी और कैंप लगा हुआ है, और कैसा है कि अलग अलग तरीके से जो भी है मेडिसिन वगैरह के जो प्रभाव है कि जिसको कोई अगर फीवर आ जाए या एम्बुलेंस आए तो सारी चीज़ों की व्यवस्था हमने इस परिसर के अंदर में रखी है, अग्निशमक की ये रखी है। तो बाबा जान के यहाँ पर आने वालों के लिए जो ताता लगा है उनके खिदमत के लिए हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से अच्छी चीज़ों का काम को अंजाम देना ये ताजाबाद ट्रस्ट की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को सेवा अच्छी प्रदान करें। वहीं बाबा ताजुद्दीन के इस जन्म दिवस के अवसर पर आपके खानदान से सज्जादा नशीन तालिफ ताजी ने सभी को आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। तो अभी हम ताजबाग आए और यहाँ के लोगों से हमने जानकारी ली और उनके मन में जगह उत्साह देखा, जहाँ आपने देखा कि पूरे भारत से अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। तो अभी हम सीधे बात करते हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन के वंशज, उनके सज्जादा नशीन, उनके पोते से, और जानते हैं आज हजरत बाबा ताजुद्दीन के जन्मदिन पर उनके मन की बातें। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया का साहिब सज्जादा नशीन बड़ा ताजबाग नागपुर से, मैं आप तमाम इंडिया के तमाम लोगों को और तमाम देश के बाहर के लोगों को हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया का 27 जनवरी
2023 आज सरकार का जन्मदिन है और आज सरकार का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे शहर में और तमाम इंडिया के शहर में हर जगह सरकार की जश्न का आमद मनाया जा रहा है। और मैं ही आप तमाम लोगों से यही इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जन्मदिन के मौके पर तमाम दुनिया के लोगों को अमन शांति भाईचारा का दुआ करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि या मेरे मालिक व मौला हमारे देश में अमन और शांति सुकून अता फरमाए। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ यहाँ पर इस वक्त तक मौजूद है और ये भीड़ रात तक मौजूद रहेगी। बहरहाल ये तो थी आज का मामला। रोजाना ही हमें यहाँ पर ताजबाग में ऐसी भीड़ देखने को मिलती है क्योंकि हजरत बाबा ताजुद्दीन के जो भी चाहने वाले हैं वो रोजाना उनके फैज के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं। तो इस जन्मदिन के अवसर पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन राजकुमार मोहर के साथ अक्सा वहीद अंसारी, BCN News, नागपुर।